जॉइंट मैजिकल ऑरेंज बाइक। लाल नगर नाम के गांव में मुकेश नाम का एक लड़का संतरे बेचा करता था और रात को वो उसी जगह पर ही सोता। एक दिन अचानक उस गांव में बाढ़ आने की वजह से सब कुछ खत्म हो गया। मुकेश बेचारा वहां से निकलकर एक जंगल में आ गया था। वो बेचारा अकेला ही था तो उसने वहीं पर ही अपनी एक झोंपड़ी बनाई और वहीं रहने लगा। एक दिन मुकेश, इस जंगल में तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं आखिर यहाँ कब तक रहूँगा, बहुत भूख लगी है मुझे। वैसे वहीं सामने एक बहुत बड़ा संतरा प्रकट हो जाता है। मुकेश उसे देखकर, अरे ये कहाँ से प्रकट हुआ है, ये तो बहुत बड़ा है, अभी तो यहाँ पर कुछ भी नहीं था, चलो बहुत भूख लगी है इसे खा ही लेता हूँ। मुकेश उसे खा लेता है। बाद में वो उसके बीज वहीं अपनी झोंपड़ी के सामने ही बो देता है। रात बहुत हो चुकी है, मैं अब सो जाता हूँ। सुबह होते ही मुकेश जब उसे देखता है तो वो बहुत आश्चर्य हो जाता है। अब वो बीज बहुत ही विशाल पेड़ बन चुके थे। ये कैसे हो सकता है, इतने कम समय में, रात को ही तो मैंने बीज डाले थे और सुबह ये बड़ा भी हो गया, मुझे तो ये कोई जादुई संतरे का पेड़ लगता है। और वो पेड़ बोलने लग गया, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं एक जादुई संतरे का पेड़ हूँ, तुम्हें अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। वहीं पर कुछ चोर वहाँ मुकेश और उस जादुई पेड़ की बातें सुन रहे होते हैं। उनमें से एक चोर, ये तो एक जादुई पेड़ है, चलो इसे यहाँ से उखाड़ लेते हैं और अपनी जगह पर ले जाते हैं। वो दोनों चोर जब रात होती है तो वहीं उस पेड़ के पास पहुँच जाते हैं और उस पेड़ को वहाँ से निकालने लगते हैं। लेकिन वो पेड़ सब देख रहा था, उसने उन दोनों चोरों को वहां से गायब कर दिया। एक दिन मुकेश जंगल के रास्ते से कहीं जा रहा होता है, तभी पीछे से कुछ बदमाश लड़के अपने बाइक्स को बहुत तेजी से भगाकर आ रहे होते हैं। वहीं एक बाइक का संतुलन बिगड़ने की वजह से वो मुकेश में आ लगता है। मुकेश को बहुत चोट आती है। बाद में वो बाइक वाला लड़का चमन, ओए तुम्हें दिख नहीं रहा था कि मैं वहां से आ रहा था, मैंने 1,00,000 की बैट लगाई हुई थी, लेकिन तुम्हारी वजह से मेरा बाइक खराब हो गया, अब ये बाइक मेरे किसी भी काम का नहीं है। मुकेश वो बाइक अपने साथ लेकर जाता है। मुझे भी बाइक चलाना बहुत पसंद है, ये बाइक तो अब टूट गया है, लेकिन मैं अब इस बाइक को कैसे ठीक करूँगा। और वो जादुई संतरे का पेड़, मैं इस साधारण बाइक को एक ऐसे बाइक में बदल सकता हूँ जिसको तुम देखकर बहुत आश्चर्य हो जाओगे, देखो अब मैं क्या करता हूँ। वो जादुई पेड़ उसे एक साधारण बाइक से एक मैजिकल ऑरेंज बाइक में बदल देता है। मुकेश बहुत खुश हो जाता है, ये बाइक तो सच में बहुत ही अद्भुत है, चलो मैं इसे कहीं पर लेकर चलता हूँ। मुकेश ऐसे जाते जाते उस चमन के घर के आगे जाने लगता है। वहीं चमन उसे देखकर, ये संतरे जैसा दिखने वाला बाइक तो कमाल का लग रहा है, इसे ये कहाँ से मिला, कहीं ये मेरा बाइक तो नहीं है जिसे मैंने उस जंगल में फेंक दिया था, चलो इससे अपना ये बाइक लेता हूँ। वो मुकेश को रोककर, ये बाइक तो मेरा था, नहीं ये बाइक अब मेरा है क्योंकि तुमने तो वहां पर ही फेंक दिया था इसे, ये बाइक मेरा है, चलो उतरो मेरे बाइक से। चमन जब उस बाइक को छूता है तो वो बाइक उसे बहुत दूर फेंक देता है। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, एक रेस करते हैं, अगर मैं जीत गया तो तुम्हें ये बाइक मुझे देना होगा। और वहां वो संतरे का पेड़ वहां से गायब हो गया। वैसे प्रतियोगिता शुरू हो जाती है और चमन उसे गिराने की कोशिश करता है, लेकिन आखिरकार मुकेश ही जीतता है। बाद में चमन को बहुत गुस्सा आता है और वो एक रंगा नाम के आविष्कारक के पास जाता है। अगर वो बाइक मेरा नहीं है तो उस मुकेश का भी नहीं होना चाहिए, और वो बाइक कोई साधारण बाइक नहीं है, वो मैजिकल ऑरेंज बाइक है, एक ऐसी डिवाइस बनाओ जिससे मैं उस बाइक को नष्ट कर सकूं। ठीक है, समझो तुम्हारा काम हो गया। वो चमन उसी डिवाइस को लेकर सीधा मुकेश के पास चला जाता है और वो मुकेश से, मुझे पता है कि ये एक मैजिकल ऑरेंज बाइक है, लेकिन मेरी इस डिवाइस से इसे नष्ट करके ही रहूंगा। चमन अपनी डिवाइस को ऑन कर देता है और उस पर चलाने लगता है, लेकिन उस डिवाइस का कोई भी असर नहीं होता उस बाइक पर,
बाद में उस बाइक को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बाइक एक जायंट ऑरेंज बाइक में बदलकर रंगा और चमन को कैद कर देती है। और कहीं एक सुनसान जगह पर भेज देती है। रेस्क्यू अबेंडेंट पपीज बिल्डिंग मड पपीज हाउस। मशहूर पोर गांव के पास ही एक रेलवे ट्रैक था। वहां पर अचानक एक दिन किसी दुष्ट आदमी ने रेलवे ट्रैक पर बहुत सारे छोटे छोटे पपीज को फेंक दिया था और उन पपीज की मां को भी बहुत जख्मी कर दिया था। कुछ समय गुजरने के बाद उन पपीज के ठीक सामने से एक ट्रेन बहुत तेजी से आ रही थी। वो उनके बहुत करीब पहुंच गई थी कि वहीं रोड से एक चुन्नू नाम का लड़का गुजर रहा था। उसने उन पपीज और उनकी माँ को देख लिया था। तो चुन्नू, सामने से तो ट्रेन बहुत तेजी से आ रही है, जल्दी से इनको बचाना होगा और इनकी माँ भी बहुत जख्मी है। चुन्नू फौरन भागते हुए वहाँ पर जाता है और उन सबको बचा लेता है। चुन्नू के उठाने के बाद फौरन ट्रेन वहाँ से गुजर जाती है। वैसे बाद में चुन्नू उनको अपने घर ले जाता है। चुन्नू के माँ बाप नहीं थे तो वो अपने चाचा मंगू के साथ रहता था। उसका चाचा मंगू अपने बेटे को तो अच्छा खाना देता था लेकिन चुन्नू को नहीं देता था। चुन्नू खुद से ही खाना बनाता था और अकेले में खाता था। चुन्नू के चाचा मंगू ने उन पपीज को और उनकी माँ को देखकर, ओए ये क्या तमाशा लगा कर रखा हुआ है, एक तो तुम कुछ कमा कर नहीं लाते हो और ऊपर से इनको भी लेकर आ गए हो, बहुत रख लिया है तुम्हें अपने घर में, अब इनको भी उठाकर ले जाओ और तुम भी यहाँ से दफा हो जाओ, चलो निकलो मेरे घर से। अगर मैं इनको सही समय पर ना बचाता तो ये ट्रेन के नीचे आ जाते और इनकी माँ को भी किसी ने जख्मी किया है, इसको मरहम पट्टी की जरूरत है, कृपया करके इनको यहाँ कुछ दिन रहने दें। चुन्नू का चाचा बहुत गुस्से में आ गया, ज्यादा होशियारी मत दिखाओ, चलो निकलो मेरे घर से। चुन्नू बेचारा कुछ ना कर सका और उनको लेकर उसी रात एक जंगल में चला जाता है। वहाँ जंगल में एक जगह पर बैठकर चुन्नू कुछ सोचने लगता है। काश मेरे भी माता पिता होते तो ऐसा नहीं होता, मुझे इसी जंगल में ही इनके लिए कुछ बनाना होगा और अपने रहने के लिए भी, अब मैं अपने चाचा के घर में कभी नहीं जाऊंगा। तभी चुन्नू को एक आइडिया आता है और वो उन पपीज के लिए एक बहुत ही खूबसूरत घर बनाता है और वहीं उनके लिए एक छोटा सा स्विमिंग पूल भी बनाता है। एक दिन उन पपीज की माँ भी बिल्कुल ठीक हो जाती है और वो चुन्नू को एक जगह पर लेकर जाने लगती है और उस जगह पर जाकर कुछ खोदने लग जाती है। और दूसरी तरफ वहाँ चुन्नू के चाचा का घर भी एक बाढ़ आ जाती है, उसमें डूब जाता है। थोड़ी देर के बाद वहाँ से बहुत सारा सोना निकलता है और चुन्नू ये देखकर बहुत आश्चर्य हो जाता है। और वहाँ चुन्नू, ये इतना सारा सोना क्या तुमने इकट्ठा किया हुआ था? मुझे लगता है ये सोना मुझे देना चाह रही है, ठीक है मैं इसे ले लेता हूँ और अपना एक घर बनाऊंगा और गरीबों की भी मदद करूंगा। तो चुन्नू ने उस सोने को बेचकर अपना एक घर बनवाया और गरीबों की भी मदद की। बाद में जब चुन्नू के चाचा को पता चला तो वो चुन्नू के पास आकर, बेटा चुन्नू मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, जो मैंने तुम्हें अपने उस घर से निकाला था, अब वो घर भी नहीं रहा, वहाँ पर बाढ़ आ गई थी और हमारा घर भी डूब गया, अब वहाँ कुछ भी नहीं बचा, क्या हम तुम्हारे इस घर में रह सकते हैं?